Hey guys, today in this video we are learning about how to edit face in Filmora and also how to edit background. So सभी चीज़ें हिंदी में होने वाली हैं एंड बहुत ही सिंपल से स्टेप में बताऊंगा आप सभी को कि आप अपने फेस को कैसे एडिट कर सकते हो. देन इससे पहले अगर आप जानना चाहते हो कि Filmora के अंदर बेसिक्स कैसे समझना है एंड बेसिक्स क्या होते हैं Filmora के, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जाकर चेक कर सकते हो. सो सबसे पहले Filmora को ओपन करना है, देन किसी भी एक प्रोजेक्ट को आपको अपने ओपन कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो या फिर जिस भी वीडियो के अंदर के फेस को आप एडिट करना चाहते हो. देन फेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वीडियो में एंड अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. सो इसके लिए सिंपली आपको कुछ इस तरीके से अपने अपने वीडियो को अच्छे से सेट वगैरह कर लेना है. देन डबल क्लिक करना है अपने वीडियो के ऊपर, कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है. अब देखो, हर बार मैंने आप सभी को बताया कि आप एक लो एंड पीस यूज करते हो तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा. देन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स बना के रखे हैं तो मैं तो चाहूँ तो इनमें से किसी को भी ऐड कर सकता हूँ. जैसे कि सेलेक्टिंग यहाँ पे ऑल प्रीसेट्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट्यूम वाले को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे तीन चार तो नहीं कर सकते बट 6-7 प्रेसेट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं. इनमें से किसी को भी मैं अगर यूज़ करता हूँ तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट मेरे को देखने को मिल जाएगा. सो इस तरीके के इफेक्ट्स आप कैसे लगा सकते हो एंड देख सकते हो आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, तो अभी चलो अब इसको एडिट करते हैं. तो इसको एडिट करने के लिए सिंपली ऐसे एडवांस पे क्लिक कर देना है आपको एंड देन जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करते हो आपको एडजस्ट वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर में दो ऑप्शंस मिलेंगे. फर्स्ट वाले को आपको पूरा फुल कर देना है. मेरे को भी पता नहीं ये क्या है बट मैं कर देता हूँ, मेरे को वो सही लगता है. देन आपको यहाँ पे वाइट बैलेंस के अंदर आना है. देन यहाँ पे आपको टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट करना है कि आपके हिसाब से सेट करना है बिकॉज आपकी लाइटिंग अलग होगी, हमारी लाइटिंग अलग है इसके लिए. तो मैं तो हमेशा टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन ही रखता हूँ. जब लाइटिंग स्लो होती है तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ. टिंट का आप यूज कर सकते हो टू ग्रीन एंड मैजेंडा कलर को यूज करने के लिए. देन 3D लूट आप यूज कर लेना अगर आप में है तो, बट वो उतना ज्यादा खास नहीं होता. कलर वाले ऑप्शन पे आना है, एक्सपोजर को आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हो. देन आपके ये फिर अगेन आपके ब्राइटनेस पर आपके वीडियो के लाइटिंग पर डिपेंड करता है. ब्राइटनेस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वो अपने हिसाब से कर लेना. कॉन्ट्रास्ट को भी वो अपने लाइटिंग के हिसाब से कर सकते हो एंड देन वाइब्रेंस को आपको हमेशा इंक्रीज करके रखना है, इसको कभी भी डिक्रीज मत करना बिकॉज ही वॉज इंक्रीज योर बैकग्राउंड लाइटिंग एंड योर फेस लाइटिंग. एंड सैचुरेशन को भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो. बात करते हैं मेन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है HSL, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है इसी में आप अपने फेस को अच्छे से एडिट भी कर पाओगे एंड फेस को काफ़ी अच्छे से स्मूथ भी कर पाओगे. तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले रेड वाले ऑप्शन पे रेड वाले कलर को सिलेक्ट करना है. सेचुरेशन को इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा मत करना. एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके ह्यू को माइनस कर देना एंड देन आप देख पाओगे कि लिप्स पे जो है थोड़ी सी लाइटिंग आ गई होगी, मतलब एक जो कलर है वो आ जाता है. एंड आप इसके ल्यूमिनेंस को आप इंक्रीज फिर डिक्रीज कर सकते हो. मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डिक्रीज करो बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. बात करते हैं फेस को एडिट करने के लिए, जो ये ऑरेंज कलर वाला आइकन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. सेचुरेशन को इसको इंक्रीज कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से होगा, माइनस करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा. तो ज्यादा मत करना, ज्यादा कर दोगे तो थोड़ा सा अलग लगने लगता है. सो इसको कर लेने के बाद ल्यूमिनेंस को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है कुछ इतना, ताकि ये आपके फेस पर परफेक्ट बैठे. एंड देन हम प्ले करके देख लेते हैं. नहीं, अभी सही नहीं बैठ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और करेंगे माइनस एंड देन इसको भी थोड़ा सा. देन अभी हो गया कंप्लीट. उसके बाद आपको जो अपने बैकग्राउंड क्रिएट करना है, सो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको ले लेना है एंड आप माइनस प्लस करके चेक कर लेना कि किस साइड में आपका ये अच्छे से आया. जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लू भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, यहाँ पे बहुत सारे अल्टीमेट्स ऑप्शन मिलते हैं कलर्स के तो वो हम इजिली कर सकते हैं. तो मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ मुझे जो परफेक्ट लगे. ओके, देन हम यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर. ओके, तो अभी क्या है ना कि अभी हम देखो इसको हम पहले प्ले कर लेते हैं, वो बाद में कर लेंगे. देन ओके प्ले करते हैं एंड देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस एडिट हो चुका है. सो इन स्टेप्स को अप्लाई करके आप अपने फेस को इजीली एडिट कर सकते हो. तो आई होप कि वीडियो तुम सभी को काफ़ी पसंद आओगे. देन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही. बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल.